ओम शांति। क्या आप छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं? तो आपकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है। इसलिए जिस भी ब्राह्मण को आप देखें कि वो छोटी छोटी बातों में नाराज होता है, माना उसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है। अब इसे आप अपने में देखें। क्या आप छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं? तो आपकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है। कहीं कहते बात बड़ी थी इसलिए नाराजगी तो बनती है, पर वही बुद्धि बात को बड़ा या छोटा करती है। अब बुद्धि में ज्ञान की धारणा है तो हर बात छोटी छोटी लगती है। अगर धारणा कम है तो हर बात छोटी से बड़ी लगती है, और बड़ी बातें जो बुद्धि में बिठा लेता है उसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, और वही छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं। फिर कई आपको देख के यही कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण है, आप नाराज क्यों होते हैं? अब ये नाराज होने वाले को भी नहीं पता कि मैं बार बार नाराज क्यों होता हूं। ज्ञान की धारणा नहीं है बुद्धि में, इसलिए बुद्धि खाली है, कुछ तो करेगी तो वह नाराज हो जाती है। तो आत्मा नाराज होके बैठ जाती है। तो अब आप अपने आप से देखें, अपने को जरूर चेक करें कि आप कितनी बार नाराज होते हैं, फिर अपने को समझाते हैं, फिर नाराजगी हटाते हैं। इसका मतलब नेचुरल वो नहीं बने हैं जो हमें बनना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पे अगर आप नाराज हो जाते हैं तो ये अवस्था कौन सी अवस्था है? कि आपकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है, आप यहीं इसी दुनिया में भटक रहे हैं, बाप के साथ आपकी बुद्धि की तार नहीं जुड़ी है, इसलिए तो नाराज हो रहे हैं। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होगी। इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, इसने ये किया, नाराजगी तो इन्हीं बातों से होती है, किसने क्या क्या किया। जब इन सब बातों को आप बुद्धि में रखते हो कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नाराजगी आ जाती है। जब ये मालूम है कि हर एक चीज ने नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। तो बुद्धि में ज्ञान की धारणा अगर होती है तो नाराज नहीं होते, अगर नहीं होती है तो नाराज होते हैं। अब आप बताइए आप कितना नाराज होते हैं? कहीं कहते हम नाराज नहीं होते, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप बहुत समय के अभ्यासी हो तो अब आप अपने आप को देख सकते हो कि आप बात बात पर अपने को समझा कर वापिस ठीक करते हो या नेचुरली ठीक होते हो। ये भी जरूर देखना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि अपने आप को संकल्प दे दे के फिर ठीक किया जा रहा है। तो माना आपको अपने ऊपर ही इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब बुद्धि अभी भी खाली है, उसमें ज्ञान की धारणा नहीं हो पा रही है। ये तो ज्ञान की धारणा हो तो एक्यूरेट पॉइंट ऑटोमेटिकली इमर्ज होना चाहिए, वो पॉइंट अंदर जाना ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से आपके अंदर नाराजगी जन्म ले। सोचना, सोचो, विचार करो उस पर, क्या अवस्था है मेरी। कोई सीन बना, आपको अच्छा नहीं लगा, फिर आपने अपनी स्थिति को सुधारना है। अब आप अपने को पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तब जाके कहीं आप ठीक होते हैं। माना संकल्प इतने देने के बाद आप अपने आप को ठीक करते हैं, जिसका अर्थ क्या हुआ कि नेचुरल नहीं है। जो प्रोसेस नेचुरल होना चाहिए, ज्ञान की धारणा बुद्धि में हो गई है तो ये काम नेचुरल होना चाहिए,
उस दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहिए जिस दृष्टिकोण से देखने के बाद आपके अंदर नाराजगी जन्म ले। लेकिन इसके लिए अभ्यासी तो बनना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त पॉइंट है बुद्धि को देखने के लिए कि ये बुद्धि नाराजगी की तरफ कब लेके जाती है और एकदम शांत कब रहते हैं। ओम शांति।